दोस्तों आप जो साइड में वीडियो देख रहे हो ये एक एआई की मदद से बनाई गई वीडियो है। आपको फ्री में यहाँ से जितनी चाहे डेली आप एआई वीडियो बना सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो वीडियो में सब टाइटल भी आ रहे हैं। आप सारी चीज एक वेबसाइट से सब टाइटल और सारी चीज आप यहाँ पर एक वेबसाइट से बना सकते हो। इसमें आपको कोई दूसरी वेबसाइट का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको यहाँ पर चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल नहीं करना है। आपको बस एक वेबसाइट ही आपको ये पूरी वीडियो क्रिएट करके दे देगी, वो भी HD क्वालिटी में। दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी वॉइस को भी रिकॉर्ड नहीं करना है, अपने फेस को भी नहीं दिखाना है। आपको ये एक वेबसाइट जो है AI वेबसाइट, वो आपको पूरी वीडियो क्रिएट करके दे देगी। आप किसी भी नीच के ऊपर अगर आप वीडियो बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से लॉन्ग वीडियो शॉर्ट वीडियो दोनों क्रिएट कर सकते हो। आप यहाँ साइड में देख सकते हो एक वीडियो मैंने बनाकर यूट्यूब पर अपलोड भी किया हूँ। कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक कोई भी कॉपीराइट क्लेम यहाँ पर नहीं आया है। आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी देर पहले यहाँ पर अपलोडिंग, आप टाइम भी देख सकते हो और यहाँ पर आप व्यूज भी देख सकते हो। तो दोस्तों आप अपने ये मोबाइल फोन के जरिए, एक मोबाइल फोन से आप ऐसी वीडियो बना सकते हो HD क्वालिटी की सिर्फ एक AI वेबसाइट से। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। तो दोस्तों आपको ये वीडियो बनाने के लिए क्रोम एप्लीकेशन को ओपन करना है। क्रोम एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है flickr.ai। आपको इसे डेस्कटॉप मोड में ओपन करना है। ये लिखने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर जो आपको ऊपर एक ऑप्शन दिखेगा स्टार्ट फॉर फ्री, आपको इस पर ओके करना है। इस पर आप जैसे ही ओके करोगे यहाँ पर आपको एक न्यू इंटरफेस नजर आएगा। तो आप देख सकते हो इसे आप अपने गूगल के जरिए भी लॉगिन कर सकते हो, फेसबुक के जरिए भी लॉगिन कर सकते हो। मैं यहाँ पर इसे गूगल के जरिए लॉगिन कर लेता हूँ, आप भी इसे अपने अकॉर्डिंग जिससे भी चाहो आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। तो इसे यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर नजर आएगा। उसके बाद आपके सामने देख सकते हो इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा और यहाँ पर आपको एक डेमो वीडियो भी दिखेगी सबसे पहले ऊपर, कि आप यहाँ पर वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों आपको यहाँ पर मैं बता दूं, सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको देखो न्यू फाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इस न्यू फाइल पर आपको ओके करना है। आप जैसे ही न्यू फाइल पर ओके करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का एक फाइल ओपन होकर यहाँ पर आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो लैंग्वेज, फिर यहाँ पर जो नीचे लिखा है यहाँ पर आप सिटी भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो लैंग्वेज में हमें यहाँ पर आप जो भी लैंग्वेज रखना चाहते हो इस पर आप ओके करोगे, यहाँ पर आपको सारी लैंग्वेज दिख जाएगी। तो यहाँ से मैं इसे हिंदी में कर लेता हूँ क्योंकि मैं आपको अभी यहाँ पर हिंदी में वीडियो क्रिएट करके बताऊंगा। तो आप यहाँ से लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर डायलेक्ट देख सकते हो, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है डायलेक्ट, तो आपको इस पर ओके करना है। यहाँ से हम इंडिया सिलेक्ट कर लेते हो, तो इस पर आपको इंडिया पर सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा फाइल नेम का, तो यहाँ पर आप अपनी फाइल नेम लिख सकते हो। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर आपको एनिमल फैक्ट वीडियो बनाना बताऊंगा। आप किसी भी नीश पर यहाँ पर वीडियो बना सकते हो, हिस्टोरिकल प्लेस पर बना सकते हो या कोई किसी बर्ड्स के फैक्ट के बारे में बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं अभी आपको एनिमल फैक्ट के बारे में बताऊंगा, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एनिमल फैक्ट। तो आपको यहाँ पर इस तरह से अपनी फाइल का नाम लिख लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर अपनी फाइल का नाम लिख लिया। अब आपको सबमिट पर ओके कर देना है, ये सबमिट पर आप इस तरह से ओके कर देंगे। आप जैसे सबमिट पर ओके करोगे थोड़ी सेकंड में, 2 से 3 सेकंड में यहाँ पर एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, देख सकते हो सेटिंग का ऑप्शन, तो आपको ये सेटिंग वाले ऑप्शन पर ओके करना है। आप जैसे सेटिंग वाले ऑप्शन पर ओके करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सपेक्ट रेशो का ऑप्शन है, तो यहाँ से आपको अपने रेशो को सिलेक्ट कर लेना है। तो आपको इस रेशो वाले ऑप्शन पर ओके करना है। यहाँ से आप देख सकते हो इसे आप फेसबुक के भी रेशो रख सकते हो 1:1। आप यहाँ पर शॉर्ट वीडियो भी क्रिएट कर सकते हो 9:16। आप यहाँ पर लॉन्ग वीडियो भी क्रिएट कर सकते हो 16:9। तो आपको जो भी यहाँ से रेशो सिलेक्ट करना है, जो भी वीडियो क्रिएट करना है यहाँ से वो रेशो को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से मैं यहाँ पर शॉर्ट वीडियो के लिए रेशो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ सेव पर ओके कर देना है, तो आपको इस तरह से सेव पर ओके कर देंगे। ये सेव पर आप जैसे ही ओके करोगे उसके बाद फिर आपको साइड में एक ऑप्शन और दिखेगा, ये सेटिंग के बाजू में ये देख सकते हो आप कन्वर्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आपको ओके करना है। आप जैसे ही कन्वर्ट वाले ऑप्शन पर ओके करोगे इस कन्वर्ट वाले पे, तो आपके सामने देखो यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। आप देख सकते हो मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर मैं जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर आइडिया टू वीडियो, ब्लॉग टू वीडियो, PPT वीडियो, ट्वीट टू वीडियो। तो आपको यहाँ पर आइडिया टू वीडियो पर ओके करना है। आपको यहाँ पर आइडिया टू वीडियो पर ओके करेंगे फिर आपके सामने देखो इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा, देखो इस तरह सा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या लिखा है, राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले आइडिया लिखा है राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो आपको अब यहाँ पर आप जैसे कि अभी अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा 5 crazy animal facts, तो मेरे को ये यहाँ पर 5 एनिमल की फैक्ट के बारे में जो वो बता देगा। आप यहाँ पर अपने यानी वीडियो का टाइटल यहाँ पर आप लिख देंगे, जो भी आपको वीडियो क्रिएट करना है। आप यहाँ पर अगर बर्ड्स के बारे में लिखोगे, जो भी आपकी नीश रहेगी उसके बारे में यहाँ पर आपको लिख देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर मैं आपको लिख के बताता हूँ आपको क्या करना है। इस पर मैं यहां पर लिख देता हूं, जैसे कि मैं यहां पर लिख देता हूं 5 crazy
एनिमल फैक्ट। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग। तो आप यहाँ पर देख सकते हो शॉर्ट जो है वो 1 मिनट की है, उसके बाद जो मीडियम रहेगी आपकी वीडियो 2 मिनट की रहेगी, और जो लॉन्ग वीडियो रहेगी वो यहाँ पर आपके देख सकते हो 5 मिनट की है। तो अगर आप इसे लॉन्ग वीडियो बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं आप इसे शॉर्ट वीडियो आपको बनाना बताऊंगा। तो आप यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा डिफॉल्ट का, यहाँ पर देख सकते हो स्टाइल, और ये डिफॉल्ट पे। तो आप जब इस पर ओके करोगे तो आपके सामने यहाँ पर देखो बहुत सारे ऑप्शन दिखेगा, ट्यूटोरियल, एक्सप्लेनेशन, मोटिवेशनल, इन्फॉर्मेशन, मार्केटिंग। तो आपको यहाँ से डिफॉल्ट पर ही रहने देना है। डिफॉल्ट पर ही रहने के बाद अब आपको सबमिट पर ओके कर देना है। आपको यहाँ पर सबमिट पर ओके करोगे तो ये प्रोसेसिंग होगा, थोड़ी ही देर में यहाँ पर ये आपको वीडियो जनरेट करके दे देगा आपके अकॉर्डिंग, जो आपने यहाँ पर लिखा है, जिसको जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आपको यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर ये आपको वीडियो क्रिएट करके दे देगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर वीडियो क्रिएट करके दे दिया आपको। जो ये अभी ऊपर का 2 दिख रहा है ना, ये इंट्रो है। अभी आपको जो वीडियो में ये ऊपर का हिस्सा दिख रहा है ना, ये इंट्रो, इसे हमें डिलीट कर देना है। आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर देखो ये सारे फैक्ट है, देखो ये सारे एनिमल के फैक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जितने भी है एनिमल के फैक्ट है, यहाँ पर आप देखो लिख कर भी आया है। देखो यहाँ पर ये जो इंट्रो है, ये इंट्रो कैसा है, नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 5 जानवरों के पागलपन के बारे में। तो ये आपका इंट्रो है, इसे आपको डिलीट कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पर भी देख सकते हो आप, क्या आप जानते हैं गिरगिट अपना रंग बदलता है। अब आप देख सकते हो डाउन जो नीचे आपको दिख रहा है ना, ये सारे आपको फैक्ट यहाँ पर दे दिया है। अभी मैं आपको ये वीडियो प्ले करके भी दिखाऊंगा, तो आपको ये इंट्रो को डिलीट कर देना है। तो दोस्तों जैसे आपको ये इंट्रो डिलीट करना है तो आपको ये इंट्रो पर ऐसे ओके कर देना है। आप ओके करोगे, इंट्रो पर ओके करने के बाद आपको यहाँ डाउन में देखो मोर का ऑप्शन दिखेगा 3 डॉट का, आपको इस पर ओके करना है। इस पर ओके करोगे उसके बाद आप देखो आपको यहाँ पर डाउन में आप देख सकते हो डिलीट का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको इसे डिलीट कर देना है। ये इंट्रो को आपको यहाँ से डिलीट कर देना है। जैसे कि आपने पहला डिलीट कर दिया, अब इसके बाद भी एक देखो इंट्रो है। अब यहाँ पर आपके बर्ड्स की देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में, अब देखो यहाँ से आपके बर्ड्स की वीडियो शुरू हो गई है, आपके जो फैक्ट थे वो वीडियो शुरू हो गई है। अब आपको क्या करना है इसमें, आपको आप अपनी चाहे तो फीमेल की आवाज रख सकते हो या फिर आप किसी मेन की आवाज रख सकते हो। तो आपको यहाँ पर देखो वॉइस का ऑप्शन दिख रहा होगा, वॉइस के ऑप्शन के नीचे आपको देखो स्वारा का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर ओके करना है। आप जैसे ही इस पर ओके करोगे तो आपके सामने देखो यहाँ पर बहुत सारे वॉइस यहाँ पर आ गए हैं। देख सकते हो जितने भी वॉइस दिख रहे हैं यहाँ पर, नाम जो दिख रहे हैं नाम के हिसाब से वॉइस है। यहाँ पर जितने लेडीज के नाम है वो लेडीज की वॉइस है, और जितने जेंट्स के नाम है यहाँ पर जेंट्स की वॉइस है। तो आप जो भी वॉइस रखना चाहते हो आप वो वॉइस को यहाँ पर रख लेंगे। और आपको देखो यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर ऑल दिख रहा होगा। तो आप अगर इस पर ओके करोगे, इस पर ओके करो तो यहाँ पर आपको मेल और फीमेल, आप चाहो तो मेल पर ओके कर दो तो सिर्फ आपको मेल की वॉइस नजर आएगी, आपको यहाँ फीमेल की वॉइस नहीं दिखेगी। तो मैं ऑल पे ही रहने देता हूँ। और यहाँ पर देखो ये स्वरा के नीचे जो है यस का ऑप्शन, ये वॉल्यूम को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये वॉल्यूम को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से सिलेक्ट पर ओके कर देना है, ये यहाँ पर आपके क्या बोलते रहे सेव हो जाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ पर वॉल्यूम को भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। अब आपको यहाँ पर देखो ये ऑप्शन दिख रहा होगा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर वॉल्यूम का ऑप्शन दिख रहा है, स्पीड का ऑप्शन दिख रहा है। आप अपनी वीडियो की स्पीड भी बढ़ा सकते हो, जैसे कि आपको देखो यहाँ पर मैं दिखा दूँ, यहाँ पर अभी ये 100 स्पीड है। आप इस तरह से आप देखो इस तरह से मैं यहाँ पर स्पीड भी आप अपनी वीडियो को बढ़ा सकते हो, आप जितनी स्पीड चाहो उतनी स्पीड अपनी वीडियो की रख सकते हो। और इसके बाद आपने देख रहा था वीडियो में सब टाइटल भी आ रहा था, यहाँ पर आपकी वीडियो में फ्री में सब टाइटल आएगा, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको सब टाइटल वाले पे यस रहने देना है, और उसके बाद आप इसके फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर साइज है, तो इसके साइज जो फॉन्ट की साइज होगी आप मीडियम लार्ज जो भी वो रख सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले पे आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर देखो वर्ड में भी रख सकते हो, सेक्वेंस में भी रख सकते हो, या फुल भी इसके आप यहाँ पर फुल भी करोगे तो फुल भी यहाँ पर इसके जो सब टाइटल है वो आपके वीडियो में फुल दिखाएंगे। और यहाँ से आप उसके जो आपके सब टाइटल है उसके कलर को भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर ले सकते हो, आप जो चाहो वो कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर ऐसे डाउन करोगे तो ये जो आपकी अभी इसने जो वीडियो आपको क्रिएट करके दिया है, ये वीडियो इसने आपको क्रिएट करके दिया है। तो आप देख सकते हो अगर आप चाहो कि ये वीडियो आपको पसंद नहीं है, इसे आपको चेंज करना है, तो यहाँ पर आपको लेआउट का ऑप्शन दिख रहा है, और यहाँ पे एक वीडियो बनी है। जैसे जूम करके आपको दिखा देते, देखो ये लेआउट का ऑप्शन है, ये वीडियो बनी है। तो आपको इस पर ओके करना है, यही वीडियो पर आपको इस तरह से ओके करना है। आप जैसे ही लेआउट वाले ऑप्शन पर ओके करोगे तो आपके सामने देखो इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सर्च करने बोल रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर आप अगर टाइगर लिख दोगे, टाइगर लिखोगे, और यहाँ पर आप देखो ये साइड में एरो का ऑप्शन आपको दिखेगा। जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पर मैं आपको इस तरह से, दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर ये एरो का ऑप्शन जो आपको दिख रहा है इस पर आपको ओके करना है। तो यहाँ से इस एरो वाले पर आपको ओके करना है, इस पर आपको ओके करके सर्च कर देना है। तो यहाँ पर देखो आपको सारे टाइगर की वीडियो आपको नजर आ जाएगी, यानी आप जो भी वहां पर एनिमल का नाम लिखोगे वो वीडियो नजर आ जाएगी। अब जब आप वीडियो को ऐसे सिलेक्ट कर लोगे, ओके कर दोगे, तो जो वीडियो ये बना के दे वो वीडियो हट जाएगी, ये वीडियो वहां पर आ जाएगी। तो आप वीडियो को भी चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग।
अब आप चाहते हो कि मुझे वीडियो में फैक्ट नहीं चाहिए, मुझे इमेज में फैक्ट चाहिए, तो यहाँ पर देखो इमेज का भी ऑप्शन है। ये इमेज पर आप ओके करोगे। अब यहाँ पर आप जो भी एनिमल, जो भी बर्ड्स, जिसके भी बारे में बता रहे हो वो लिखोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये इमेज में भी आपको कन्वर्ट करके दे देगा। यहाँ पर गिफ्ट का भी है, आप जो चाहो उसमें बना सकते हो। तो इस तरह से आप इसकी इमेज और फोटो को भी कर सकते हो। तो अभी एक वीडियो मैं आपको यहाँ पर और बना के दिखाता हूँ, वो भी हिस्टोरिकल प्लेस पर। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये वीडियो को आपको डाउनलोड कैसे करना है। तो एक वीडियो मैं आपको यहाँ पर और प्ले करके दिखाता हूँ। जैसे कि आपको न्यू फाइल पर ओके करना है। न्यू फाइल पर ओके करने के बाद यहाँ से आपको अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने फाइल का नाम लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हिस्टोरिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर ये वीडियो पर ही आपको रहने देना है। यहाँ पर एक ऑडियो ओनली और एक वीडियो ओनली। आप अगर यहाँ से खाली ऑडियो भी चाहते हो तो आपको ऑडियो भी मिल जाएगी। तो मैं वीडियो पर रहने देता हूँ। फिर आपको सबमिट पर ओके कर देना है। आप सबमिट पर ओके करोगे फिर उसके बाद आपके सामने इसी तरह का इंटरफेस नजर आएगा। आपको यहाँ पर सेटिंग पर ओके करना है। सेटिंग पर ओके करने के बाद आपको इसके रेशो को सिलेक्ट कर लेना है। तो इसके रेशो को मैं 9:16 कर लेता हूँ। आप देख सकते हो इस तरह से आपको रेशो को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर कन्वर्ट पर ओके करना है। कन्वर्ट पर ओके करने के बाद आपको आइडिया टू वीडियो पर ओके करना है। तो आपके सामने फिर इस तरह का इंटरफेस नजर आ जाएगा, देख सकते हो आप। फिर आपको आइडिया पर ओके करना है। आइडिया पर ओके करने के बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वर्ल्ड हिस्टोरिकल फैक्ट अबाउट इंडिया। जैसा कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ वर्ल्ड हिस्टोरिकल फैक्ट अबाउट इंडिया। उसके बाद फिर लिखने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर ओके कर देना है। सबमिट पर ओके करोगे यहाँ पर प्रोसेसिंग होएगा। प्रोसेसिंग होने के बाद कुछ सेकंड में आपको ये वीडियो यहाँ पर जनरेट करके दे देगा। ये यहाँ पर वीडियो आपको बनाकर दे देगा। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर ये यहाँ पर जनरेट करके दे चुका है। आप यहाँ पर डाउन में देखोगे तो देखो यहाँ पर जो पहला है आपका इंट्रो है। तो ये इंट्रो को आपको डिलीट कर देना है क्योंकि इंट्रो में ये आपको जो वीडियो रहेगी अबाउट की वो सही नहीं रहेगी। तो दोस्तों आपको ये डिलीट कर देना है। तो आपको डिलीट करने के लिए इसी पर वैसे ओके कर देना है। ओके करने में आपको यहाँ पर मोर और देखो थ्री डॉट का ऑप्शन दिख रहा है। देखो दिखा सकता हूँ मैं यहाँ डाउन में मोर और थ्री डॉट का आपको ऑप्शन दिख रहा है। तो आपको ना इसी पर ओके करना है। तो यहाँ से मैं इसे छोटा कर देता हूँ। तो आपको ना ये थ्री डॉट पर ओके करना है। आप थ्री डॉट पर ओके करोगे आपके सामने यहाँ डाउन में डिलीट का ऑप्शन दिखेगा। तो आपको ये डिलीट कर देना है और आपको यहाँ से डिलीट पर ओके कर देना है। तो आप इसे डिलीट कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। तो आप यहाँ पर जितने भी है ये आपकी फैक्ट, जो भी हिस्टोरिकल पे आपने फैक्ट लिया है वो आपकी अब सारी यहाँ पर वीडियो है। तो अभी ये वीडियो के आपने जैसे वॉइस को चेंज किया था इसके पहले सारी चीज वो कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपने ये वीडियो देखा, ये बनाकर हमें हिस्टोरिकल पे भी बनाया वो भी क्रिएट करके दे दिया। इसके पहले हमने फैक्ट पे बनाया था वो भी क्रिएट करके दे दिया। तो अब आपको इसे डाउनलोड करना है। तो इसे डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन डाउनलोड का दिख रहा होगा। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको देखो डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है। ये डाउनलोड का ऑप्शन आपको इस पर ओके करना है। ये डाउनलोड वाले ऑप्शन पर आपको ओके कर देना है। आप जैसे ही डाउनलोड वाले ऑप्शन पर ओके करोगे फिर आपके सामने एक और यहाँ पर लिख कर आएगा स्टार्ट एक्सपोर्ट। तो आपको स्टार्ट एक्सपोर्ट पर ओके करना है। आप जैसे ही स्टार्ट एक्सपोर्ट पर ओके करोगे एक ऑप्शन आपको स्टार्ट का और आएगा। तो आपको स्टार्ट पर ओके कर देना है। तो आप जैसे ही स्टार्ट पर ओके करोगे यहाँ प्रोसेसिंग होने लगेगा। मतलब ये प्रोसेसिंग होने के बाद फिर आपको यहाँ पर एक बार और डाउनलोड पर ओके करना है। तो ये अभी यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रहा है। प्रोसेसिंग होने के बाद आपके सामने डाउनलोड का एक बार और ऑप्शन देगा। उस पर आप ओके करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। प्रोसेसिंग होने के बाद आपके सामने देखो इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ डाउन में देखो डाउनलोड फाइल लिखा है। आप देख सकते हो यहाँ पर डाउनलोड फाइल लिखा है और यहाँ पर आप अपनी वीडियो को प्ले करके भी देख सकते हो। तो अगर आप इस पर ओके करोगे तो यहाँ पर ये आपकी वीडियो प्ले होने लगेगी। दो, क्या आप जानते हैं कि भारत विश्व का सबसे पुराना सभ्यता है? इस तरह से आपकी वीडियो क्रिएट हो जाएगी। मैं आपको वीडियो अभी पूरी फुल स्क्रीन में भी आपको वीडियो दिखा दूंगा। तो अब आपको डाउनलोड करना है। तो आपको डाउनलोड करने के लिए आपको डाउनलोड वाले फाइल पर ओके करना है। डाउनलोड वाले फाइल पर ओके करोगे ये वीडियो आपकी डाउनलोड होगी। देखो यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू हो गया। वीडियो आपकी डाउनलोड होकर फाइल में चलेगी। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ प्ले करके। आप देख सकते हो आप जो वीडियो हमने वहां से बनाई है। दो, क्या आप जानते हैं कि भारत विश्व का सबसे पुराना 5000 साल पहले विकसित हुई थी? चार, और यही से शून्य। आप देख सकते हो कितनी HD क्वालिटी में यहाँ पर ये वीडियो क्रिएट होकर आई है। आप देख सकते हो खुद ये वीडियो जो यहाँ पर क्रिएट होकर आई कितनी HD में ये वीडियो है। और यहाँ पर ऑटोमेटिक ये आपकी सारे यहाँ पर आप देख सकते हो सब टाइटल के साथ डाउन में आपको नजर आ रहा होगा। ये सब टाइटल के साथ आपकी वीडियो यहाँ पर क्रिएट होकर आई है। अब यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हो यहाँ पर डाउन में देखो आपको एकदम छोटा सी वाटर मार्क दिख रहा होगा। अब आपको इस छोटे वाटर मार्क को कैसे हटाना है? तो आपको यही एक छोटा वाटर मार्क साइड में दिखेगा। आप यहाँ पर अगर आप अपने
चैनल का नाम भी लिख दोगे तो ये वाटरमार्क हट जाएगा, अगर आप अपने चैनल का लोगो लगा देंगे तो भी हट जाएगा। इसके बाद अगर आपको अब वहां पर कुछ लगाना नहीं है, लोगो नहीं लगाना, चैनल का नाम नहीं लिखना है, तो आप यहाँ साइड में देख सकते हो आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन में आपको इसे पेन जूम वाले ऑप्शन पर रखना है और आपको यहाँ से इस तरह से जूम कर देना है। ऐसे जूम करोगे तो ये जो आपका जो है यहाँ पर वाटर मार्क ये भी हट जाएगा। तो दोस्तों आप डेली यहाँ से जितनी चाहे उतनी वीडियो HD क्वालिटी में आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, एकदम आसान और सिंपल तरीका है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है इस वेबसाइट AI की, आप वहां से जाके इस वेबसाइट AI को विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।